हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक जायसवाल ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अपने भाई के घर, विनय के घर, यानी विनय कुमार घर पे। और आपने देखा पिछला ब्लॉग की किटो में चले गए हैं बालाजी राजस्थान, भगवान हनुमान जी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहां पे बाबू का मुंडन तो होना था। और हमारा टिकट कल का है, ये ब्लॉग मैं कल सुबह डालूंगा, यानी आप लोग देख रहे हो ब्लॉग। तो ये ब्लॉग जब तक आ रहा है तो मैं घर से निकल चुका हूँ, तो ये रात का ब्लॉग है। रात को घड़ी बज रहे हैं इस समय 9, और देख सकते हो आप लोग मैं इस समय विनय भाई के घर पे आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोला था खाना पीना बना देना भैया, कि दिक्कत ना हो खाने पीने का, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि बना के जाए कि ना बनाए। कहते हैं छोड़ो यार, तुम लोग जाओ दर्शन वगैरह करो, खाना खाने की क्या दिक्कत है, जब यहाँ पे इतनी बड़ी फैमिली यहाँ पे रहती है, हमारा भाई रहता है, आप लोग रहते हो, खाने पीने की दिक्कत क्या है होगा। तो यहाँ पे आ गए विनय भाई घर पे। यहाँ पे कुमार से पहले फ़ोन कर दिया था कि मैं आऊँगा रात को खाना खाऊँगा, और अभी कुमार खान निकाल लिए हमारे लिए, और अच्छा लगा यहाँ पे आके। और आपने कमेंट बहुत अच्छा अच्छा नहीं किया है कि चलो ठीक है, जो भी किया हो बहुत अच्छा किया हो, नहीं किया हो तो भी अच्छा किया हो। तो वो लोग फाइनली दर्शन आज लोग कर लिए होंगे, यानी ये ब्लॉग आप देख रहे हो सुबह, लेकिन दर्शन हो आज ही कर रहे हैं, यानी संडे के दिन। तो बाबू का मुंडनकरण भी हो जाएगा, जिसमें मैं पहुंच नहीं पाया हूँ, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा टिकट पहले से हो चुका था, क्योंकि मुझे घर भी जाना था, घर पर शादी पड़ी है, कार्ड वगैरह बांटना भी है, सबको सब चीज़ देखना होता है, पारिवारिक है ना, हर चीज़ देखना पड़ता है। तो विनय भाई इस समय घर पर नहीं है, वो ड्यूटी है, और शायद सुबह मुलाकात हो पाएगी जब मैं यहाँ से रवानगी करूँगा या जब जानूँगा तब, क्योंकि सुबह मुझे 10 या 9 बजे निकलना ही पड़ेगा, हो सकता है मैं मिल भी ना पाऊँ, तो नहीं मिलूँगा ज़रूर, क्योंकि कुछ काम भी है सुबह, थोड़ा सा गीला हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोमल देख सकते हो मेरे लिए क्या बनाया, कोमल तहरी बनाया, थोड़ा सा अभी को खोले ना इसलिए थोड़ा गीला है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो सुबह। अच्छा, तो कोमल ने बनाया हुआ है बहुत सा बढ़िया तहरी, वो भी मसालेदार तहरी है। फूंक दो भैया, फूंक दो, फूंक दो, ये तो मेरे पास आती ही नहीं है, फूंक रही है, फूंक दो, फूंक दो भैया, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, नहीं है, नहीं है, नहीं, देखो मुड़ी लाती है, नहीं आएगी, नहीं मेरे पास आती ही नहीं है, नहीं। चलो गाइस, खाना पीना खा लेते हैं। बाकी जो लोग चैनल पर नए बने, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, बाकी जो पुराने हैं उनको तो पता ही है कि दीपक भैया क्या वीडियो लाते हैं, क्या लाते हैं, तहलका मचाते ही रहते हैं। और फाइनली हमारा कोर्स एकदम तैयार हो गया है, और गजब का लग रहा है भाई साहब, गजब का। शायद मैं शादी में अकेला दिखूं, लेकिन कोई भी नहीं, हो सकता है मुझसे बढ़िया कोई सिलवा दे, लेकिन गजब का कोट सूट सिला हुआ है भाई सामने, जहां मैंने दिल्ली में सिलवाया है करोल बाग में, काफ़ी अच्छा सिला हुआ है उन्होंने, और सेम डिजाइन यूवी का भी है, और यूवी हमारा ड्रेस सेम है लेकिन कलर चेंज है। तो आप लोगों को कैसा लगेगा वो चीज़ शादी पहन के दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे, सरप्राइज रहने दीजिए। आप लोग नहीं कहोगे भैया पहले सब दिखा देते हो, कुछ सरप्राइज रहने दीजिए, जब पहनेंगे आप लोग को दिखाएंगे। चलते पहले खाना खा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम हो चुका है खाने का। हमारे टाइमिंग गाइस सही बताओ ना, देखो कोमल पे ध्यान दिया कि 9 बजे खाना खा लो, 9-10 बजे पहले खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि घर भी यही खाते हैं। और बाकी यहाँ दिल्ली में रह के दोनों बहनों के पास बहुत अच्छा लगा, आपने कमेंट किया, जो भी मुझे किया, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन एक परिवार है, एक घर है, एक भाई बहन का प्यार है, एक जीजा बहनोई का प्यार है, इसके लिए यहाँ रुके इतना देर। और सबसे बड़ा मकसद यही रुकने का यही था कि हमारा कोट सूट जो मैंने सिलवाया था, उन्होंने बोला था भैया 18 तारीख को देंगे, तो 18 तारीख को मैं इंतजार कर रहा था, इसलिए मैं रुका था, तो मैं यूवी के साथ घर पहुंच गया होता, तो मेरा हाथ फ्रैक्चर था, इसलिए मैंने सोचा चलो यूवी तुम चले जाओ, मैं यहाँ मैनेज करके तुम्हारा भी कोट सूट लेते आऊँगा, क्योंकि उसने बोला भैया कोरियर कर देंगे, तो कोरियर का 1500 रुपये मांग रहा था, तो भैया हम कहते 1500 रुपये दोगे तो इससे बोले 4-6 दिन रुक जाते हैं दिल्ली में, 1500 रुपये बच भी जाएगा। देखिए पैसे बहुत महत्व रखता है, अगर 1500 रुपये बच रहा है ना बहुत अच्छी बात है, और खाने पीने की टेंशन तो है नहीं, चाहे जहाँ भी रहो खाना पीना तो गिरेगा नहीं, बहन के घर खाओ भाई घर खाओ कोई दिक्कत नहीं है। शायद अगर मैं भी बाहर रहता तो जो भी आते तो मैं भी यही करता, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता, तो अपने कुछ पैसा बचाने के चक्कर में मैं यहाँ रुक गया हूँ, और कोई नहीं यार रुकना भी चाहिए, परिवार है। तो चलिए खाना पीना खा लेते हैं, मिलते हैं आप से कुछ देर बाद हम, क्योंकि टाइम भी हो चुका है खाने का। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिएगा, मिलता है कुछ देर बाद। अभी क्या कर रही हो, बिंदी देखी, बिंदी लगाओ क्या, बिंदी लगाओ क्या, बिंदी देखी, हाँ क्या लियो ये बिंदी, इधर देखो, ये देखो, इधर देखो, मुझे देख लो, मुझे देख लो, मुझे देख लो, मुझे देख लो, दो ले लेते हैं, ये यार लगा लिया, देखो यार, देखो यार, बैकपैक हो गया क्या आपका, बता दो बैकपैक हो गया क्या, दो लगा दे, ए या
लगा हाँ हरी लगा 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 तो गाइस खाना पीना मैंने खा लिया है और अभी देखो रो रही यहाँ पे मन रखे जा रहा तो हम जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बना दिन दिया जिम्मेदारी तो उसे निभाना भी पड़ेगा ना तो उनके घर की रखवाली के लिए आज मैं रुका हूँ क्योंकि मेरा सुबह का ट्रेन भी है कल निकल भी जाऊँगा तो मिलते हैं आप लोग से सुबह अब यहाँ से विदा ले लेते हैं बाय अभी आ जाओ ले लिया बाय बाय दोस्तों मिलते हैं सुबह बाय अभी बाय करो फ्रेश करो बाय करो ऐसे करो बाय करो फिर किस करो बाय बाय तो गाइस कर नहीं रहे मेरे को परेशान बहुत करती है आती नहीं मेरे पास आती नहीं है बाय सुबह मिलते हैं सुबह आएंगे तब मिलेंगे ठीक है बाय बाय तो गाइस यहाँ पे माता के जागरण होने वाला है रात के समय आप लोग देख सकते हो और काफ़ी भव्य होगा लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं रहा हूँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आप लोग का थोड़ा सा लोकेशन दिखा सकते हैं कि माता जागरण होगा यहाँ पे नेक्स्ट डे तो गाइस यहाँ मैं ऑटो में बैठ गया हूँ बंदा दिन घर में रात को रुका था और खाना पीना कमल के घर पे खाया था आपने देखा जैसे रात में कमल घर से निकल गया और जागरण भी हुआ माता का तो यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ कनॉट पैलेस और ऑटो में बैठे हुए क्योंकि टाइम भी नहीं था सुबह सवेरे उठे 9 बजे और नहाए धोए फ्रेश हुए कुछ खाए पिए नहीं है बाकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से तो गाइस फाइनली पहुँच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देख सकते हो आप लोग हमने कुली कर लिया है यहाँ पे स्टेशन पे क्योंकि हाथ फ्रैक्चर है तो कुछ ले जा सकते नहीं है तो हमने कहा भाई साहब आ जाइए आप तो इन्होंने बहुत कम जेन्युइन रेट में हमारा बैग उठा लिया है तो हम फाइनली नई दिल्ली स्टेशन रेलवे पहुँच चुके हैं और हमारी ट्रेन अभी 1.5 घंटे बाकी है क्योंकि अभी घड़ी में बज रहे हैं 10 तो अभी ट्रेन आने में कुछ समय बाकी है क्योंकि 11:35 का ट्रेन है भैया आपको स्टेशन ही छोड़ देंगे उसके बाद हम पहुँचेंगे तो चलिए भैया आप चलते रहिए ट्रेन आने में कुछ समय बाकी है 11:35 ट्रेन है तो मैं 10 बजे पहुँच गया हूँ यहाँ पे और नई दिल्ली स्टेशन अब यहाँ से घर पहुँचूँगा फिर घर पे शादी का धमाल मचेगा काफ़ी दिल्ली में आके बहुत अच्छा लगा और बिना कोमल के घर भी गए थे क्योंकि बंदा दी घर रात को रुक गए थे वहाँ पे चाबी वगैरह मैंने उनको दे दिया है पूरा घर उनका लॉक कर दिया है तो मैंने सोचा क्यों ना बिना भाई से मिल लिया जाए तो सब लोग सोए हुए थे सबसे मिल लिया लेकिन कहीं स्टेशन पहुँचना ज़रूरी है हमारा चेकिंग हो गया है चलिए भैया भीड़ तो भाई साहब गजब की भीड़ है क्योंकि छठ पूजा भी चल रहा है तो सब लोग इन्हें जाने के लिए मार कर रहे हैं घर जाने के लिए कि क्या बताएं इतनी भीड़ देख सकते हो आप लोग भगदड़ मच गई है जैसे तो गाइस यहां फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है देख सकते हो आप लोग इस समय घड़ी बज रहे हैं 11:15 इधर खड़ी हुई है सहरसा नई दिल्ली एक्सप्रेस वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि हम सफर ट्रेन है और इधर हमारी ट्रेन आ गई है हमारा B8 कोच है अब चलते हैं हम बैग अपना लेके और बैठते हैं मैंने ये कोर्स सिलवाया है मैंने यूवी ने कुंवर साहब के नाम से है इनका फर्म और ये किटो का लगेज ये हमारा लगेज तो देख सकते हो अब चलते हैं हम ट्रेन में बैठते हैं और बैग उठाते हैं क्योंकि हाथ फ्रैक्चर है तो धीरे धीरे जाना पड़ेगा तो चलो गाइस ट्रेन में बैठ जाते हैं और फिर कैसा यात्रा रहता है हमारा आप लोग को हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा और दिल्ली आके बड़ा अच्छा लगा इन्हीं सबके साथ ब्लॉग करते समय वीडियो पसंद है वीडियो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब याद दिला दीजिएगा मिलते हैं अच्छे नए वीडियो साथ तब तक के लिए बाय बाय।